अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं डर्मा शाइन की प्रोडक्ट है उसका रिव्यू करने के लिए जा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसका ये क्लेंज़र है। हाँ जी, दो क्लेंज़र मेरे पास मौजूद है। एक है न्यूट्रोजेना, वर्ल्ड रिनाउंड, फेमस, टू मच फेमस, नॉट फेमस, एवरीवन इज़ गोइंग टू बाय न्यूट्रोजेना। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूट्रोजेना की टक्कर का जो ये मैं आपको डर्मा शाइन दिखा रही हूँ, येस एग्जैक्टली डर्मा शाइन, डर्मा शाइन का आपको मैं फ़ायदे बताने जा रही हूँ। और आज आपको बताने जा रही हूँ कि भाई किस तरह सिर्फ आपने 3 से 4 दिन या 1 हफ़्ता आपने मेहनत करनी है अपने स्किन पे, आपने क्लेंजिंग करनी है डर्मा शाइन से और आपने रिजल्ट देखने, यू विल बी अमेज्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, डर्मा शाइन है भाई ये पाकिस्तानी मेरे ख्याल से ब्रांड है। जी बिल्कुल पाकिस्तानी ब्रांड है और फार्मूला जो है इसका जर्मनी का है। इन्ग्रीडियंट्स वही आपको बता रहे हैं भाई, सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो नॉर्मली सारे प्रोडक्ट्स में होते हैं। डीएम वाटर, टेट्रा एसिटिक एसिड, सोडियम लॉरेल, हाँ जी सल्फेट यूज़ किया हुआ इन्होंने, ठीक हो गया, बीज वैक्स यूज़ की हुई है, काफ़ी फ्रेग्रेंस यूज़ की हुई है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। सबसे जो इसमें काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाँ जी गाइस, दिस वन ऑरेंज एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है भाई, ये जो ऑरेंज होता है जिसको हम कहते हैं कि नो माल्टा वॉट एवर, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इसकी, इसमें भाई इसका एक्सट्रैक्ट मतलब इसका जूस शामिल किया गया है, ठीक हो गया, फॉर क्लियर, ब्राइटर एंड लाइटर कॉम्प्लेक्शन। ऑरेंज वैसे भी आपको पता है लाइटर कॉम्प्लेक्शन के लिए, स्किन के लिए बहुत यूज़ होता है, हम वैसे अपनी देसी टिप्स एंड ट्रिक्स में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ जी, डर्मा शाइन क्लेम कर रहे हैं कि भाई जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं। एक्सफोलिएट क्या करते हैं भाई, मतलब स्क्रब करते हैं आपको, डीप ब्राइटनिंग कह रहे हैं कि वाकई में इसमें कोई शक नहीं है गाइस, ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं। शर्त है कि भाई आपने इसको यूज़ करना है एटलीस्ट 1 वीक, आपने इसको दिल से यूज़ करना है, फिर आपने खुद इसका रिजल्ट देखना है, मुझे ज़रूर बताना है कॉमेंट बॉक्स में, ठीक हो गया। और एक और इसकी मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊँ गाइस कि ये मेकअप रिमूवर भी है, आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी ले सकते हैं, नॉट ओनली क्लेंसर। जो ये 200 ml दे रहे हैं आपको और ऑल स्किन टाइप्स के लिए भाई, कोई मसला नहीं है एक्नी वालों के लिए, कोई मसला नहीं है ड्राई स्किन के लिए, कोई भी मसला नहीं ऑयली स्किन के लिए, ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसका इंस्ट्रक्शंस वही दी हुई हैं गाइस कि आपने भाई बहुत अच्छे तरीके से मुंह धोना है, मुंह धो के आपने क्लेंजिंग करनी है, जेंटली एक्सफोलिएशन करनी है अपने फेस पे, थोड़ी सी मेहनत के साथ करनी है, मुंह पे बहुत रगड़ रगड़ के नहीं मुंह रगड़ना है, आपका अपना ही मुंह है, बहुत आराम से बहुत सुकून से आपने इसको यूज़ करना है और फिर आपने इसका रिज़ल्ट, आप इसको वैसे 1 वॉश में ही आपको पता चल जाएगा इसका रिज़ल्ट कैसा है, ठीक हो गया गाइस। इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है। और बहुत सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ, बहुत ज़्यादा मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ कि ये टोटली बजट फ्रेंडली है, 300 के अराउंड ये आपको आराम से लोकल मार्केट में, ऑनलाइन भी आपको आराम से मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा, तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है और मुझे बताना है। न्यूट्रोजेना की मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि डर्मा शाइन और न्यूट्रोजेना ये दोनों चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, ठीक हो गया। मुझे डर्मा शाइन ज़्यादा अच्छा लगा, मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि डर्मा शाइन ज़्यादा अच्छा है। बात हो जाए यहाँ पे न्यूट्रोजेना की, तो भाई ये भी डीप क्लीन ही करने का क्लेम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेड है, तो इस पर मुझे नहीं, इसमें पता नहीं कौन सी ज़बान लिखी हुई, खैर हमें तो यूज़ करने से मतलब है गाइस, ये भी उसी तरह अपनी क्लेंजिंग करनी है जैसे नॉर्मली हम क्लेंजिंग करते हैं, तो इसकी भी आपने उसी तरीके से क्लेंजिंग करनी है। आपने ये दोनों चेक कर लेने, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी, ये आपको अराउंड मिलेगा 600-700 में, मैंने बाय किया था, लेकिन इसके मुकाबले मुझे डर्मा शाइन का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी यू शुड बाय डर्मा शाइन। न्यूट्रोजेना मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि न्यूट्रोजेना जिनको सूट करता है वो ज़रूर न्यूट्रोजेना बाय कर